नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रकाश संश्लेषी से संबंधित आवश्यकताओं में प्रकाश संश्लेषी की वर्णकों में पहले वर्णक पर्णहरित का अध्ययन किया था। आज हम क्लोरोफिल के ही अवशोषण स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे कि क्लोरोफिल का अवशोषण स्पेक्ट्रम आखिर क्या होता है, ठीक है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश संश्लेषी की जो वर्णक होते हैं उनके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, यह मुख्यतः क्लोरोफिल अणुओं के द्वारा किया जाएगा। ओके, हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, तो क्लोरोफिल अणुओं के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। अब देखिए, क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा, क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है बच्चों, दोबारा देखिए इसको, क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है उसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये एग्जाम में आपसे परिभाषा पूछते हैं। यह दृश्य प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट, दृश्य प्रकाश का अवशोषण करते हैं तथा अवशोषित प्रकाश की वह मात्रा, दोबारा देखिए, अवशोषित प्रकाश की वह मात्रा जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है उसे सक्रिय स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक तो हो गया अवशोषण स्पेक्ट्रम, दूसरा हो गया सक्रिय स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अवशोषित जो प्रकाश क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित प्रकाश की वह मात्रा जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, आरंभ हो जाती है, उसे सक्रिय स्पेक्ट्रम कहेंगे। और यह सक्रिय स्पेक्ट्रम मुख्यतः दृश्य प्रकाश के नीले व लाल स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हैं। यह क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी के लिए महत्वपूर्ण होती है। ओके, और फिर देखिए, क्लोरोफिल को ईथर के विलयन के साथ, क्लोरोफिल जो है उसको ईथर के विलयन के साथ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उपयोग में लेते हुए इनके अवशोषण स्पेक्ट्रम को ज्ञात किया जाता है। आपको एग्जाम से पूछ सकते हैं कि बताइए अवशोषण स्पेक्ट्रम को किस प्रकार ज्ञात किया सकता है। एक नंबर में पूछ लेंगे, दो नंबर में पूछ लेंगे। तो क्लोरोफिल को ईथर के विलयन के साथ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उपयोग में लेकर हम पता कर सकते हैं कि अवशोषण स्पेक्ट्रम का मान कितना है अलग अलग क्लोरोफिल्स के लिए। क्लोरोफिल ए के लिए अलग होगा, क्लोरोफिल बी के लिए अलग होगा। अब क्लोरोफिल ए के लिए 662 नैनोमीटर तथा 430 नैनोमीटर अधिकतम व न्यूनतम मान क्रमशः प्राप्त होते हैं। जो अवशोषण स्पेक्ट्रम का अधिकतम मान क्लोरोफिल ए के लिए है वह है 662 नैनोमीटर और मिनिमम है 430 नैनोमीटर। ठीक है, और इसी प्रकार क्लोरोफिल के लिए जो अधिकतम है वो 644 नैनोमीटर है जबकि 455 नैनोमीटर मिनिमम इसका मान प्राप्त हो रहा है। और यह दृश्य प्रकाश के क्रमशः लाल व नीली स्पेक्ट्रम से संबंधित होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा क्लोरोफिल का अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम पर्णहरित के बाद में, क्लोरोफिल के बाद में दूसरा प्रकाश संश्लेषी वर्णक वो है कैरोटीनॉइड्स। ठीक है बच्चों, कैरोटीनॉइड्स पढ़ते हैं हम। तो कैरोटीनॉइड्स जो है यह वेकन रोडर द्वारा गाजर से प्राप्त किए गए वर्णक है। वेकन रोडर नामक वैज्ञानिक था, उसके द्वारा गाजर से प्राप्त किए गए वर्णक है वो कैरोटीनॉइड्स कहलाते हैं। यह आकर्षक रंग प्रदान करते हैं जिन्हें दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। कैरोटीनॉइड जो है आकर्षक रंग प्रदान करते हैं जिन्हें दो प्रकार में विभक्त किया जा सकता है। पहला है कैरोटीन, दूसरा है ज़ैंथोफिल।
कैरोटीन और जैंथोफिल। अब सबसे पहले हम कैरोटीन पढ़ते हैं, तो यह रेड ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स होते हैं बच्चों, यह हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा कार्बन के यौगिक, यह हाइड्रोकार्बन यौगिक है। लगभग 5 प्रकार के कैरोटीन जो है वो ज्ञात है, इनमें से बीटा कैरोटीन जो है वो बच्चों यूनिवर्सल होता है, बीटा कैरोटीन यूनिवर्सल होता है। इसके अतिरिक्त जो है लाइकोपीन, अल्फा कैरोटीन आदि कैरोटीनॉइड हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो कैरोटीन हो गया। अब जैंथोफिल दूसरा, यह पीले भूरे रंग के वर्णक होते हैं, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा कार्बन के यौगिक होते हैं। लगभग 20 प्रकार के जैंथोफिल ज्ञात हैं, इनमें से उच्च पादपों में कुछ जैंथोफिल पाए जाते हैं, जैसे कि पाए जाते हैं जैसे कि ल्यूटीन, वाइलोजैन, जैंथीन, ल्यूटीन एवं नियोजैंथीन, ठीक है। 20 प्रकार के जैंथोफिल हमें ज्ञात है। उच्च पादपों में कुछ महत्वपूर्ण जैंथोफिल है, जैसे ल्यूटीन हो गया, वाइलोजैंथीन हो गया, नियोजैंथीन हो गया, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड 2 प्रकार के, कैरोटीन और जैंथोफिल। अब कैरोटीनॉइड का काम क्या है, ये किन कामों में महत्वपूर्ण है, तो देखिए यह पहला कार्य है इसका, यह क्लोरोफिल के साथ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहयोग देता है, ठीक है। दूसरा, कैरोटीनॉइड की अधिकता पादपों के विभिन्न भागों को आकर्षक प्रदान करती है, बिल्कुल ठीक। पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है आकर्षक रंग, तीसरा है यह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, अलग से है, यह रक्षात्मक वर्णक भी कहलाता है। रक्षात्मक वर्णक, यह क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के साथ संबंधित होकर फोटोसिंथीन नामक इकाई बनाता है जो क्लोरोफिल के प्रकाश अपघटन को रोकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रक्षात्मक वर्णक है क्यों है, क्योंकि ये क्लोरोफिल और प्रोटीन के साथ में बंधित होकर फोटोसिंथीन इकाई बनाता है, और ये फोटोसिंथीन इकाई जो होती है क्लोरोफिल के प्रकाश अपघटन को रोकती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट है बच्चों, कैरोटीनॉइड को प्रारंभ में ऑक्सीजन के ऑक्सिन ऑक्सिन हार्मोन सॉरी कैरोटीनॉइड को प्रारंभ में ऑक्सिन हार्मोन के अभिगमन के लिए उत्तरदायी माना गया था। यह तलाभिसारी अभिगमन था, दीप्तमान सतह से अदीप्तमान सतह की ओर स्थानांतरित होता है। इस कार्य के लिए बाद में हालांकि राइबोफ्लेविन या विटामिन जो है B2 को उत्तरदायी माना गया है, जो ऑक्सिन अभिगमन द्वारा प्रकाशानुवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो मेन इसके लिए जो काम है बच्चों, पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है विभिन्न भागों को आकर्षक प्रदान करना, और तीसरा है रक्षात्मक वर्णक के रूप में जो है कार्य करते हुए फोटोसिंथीन इकाई का निर्माण करना क्लोरोफिल और प्रोटीन इकाइयों के साथ में, और पहले इसको ऑक्सीजन के अभिगमन के लिए उत्तरदायी भी माना गया था, जिसको कि अब जिसके लिए अब विटामिन B2 को उत्तरदायी मानते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, कैरोटीनॉइड के काम हो गए। अब तीसरा है फाइकोबिलिन्स, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में तीसरा है फाइकोबिलिन्स और चौथा है टेरिडिन्स, इनको पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं, यह शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक है जो टेट्रा पायरोल की खुली चेन से बने होते हैं, इसको याद रखिएगा। यह मंद प्रकाश का अधिकतम अवशोषण करने की योग्यता रखते हैं बच्चों, फाइकोबिलिन्स में मंद प्रकाश का अधिकतम अवशोषण करने की अतिरिक्त योग्यता होती है। यह अधिक मात्रा में होने पर शैवालों को अभिलाक्षणिक रंग भी प्रदान करते हैं, यह अधिक मात्रा में अगर पाए जाएंगे तो शैवालों को अभिलाक्षणिक रंग भी प्रदान करते हैं। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, फाइको एरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और एलो फाइकोसाइनिन, ये याद रखिएगा बच्चों, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। मैं मानता हूँ थोड़ा ये याद करने वाला टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि जो फाइकोबिलिन्स होते हैं वो शैवालों में पाए जाते हैं पहली बात, दूसरा टेट्रा पायरोल की ओपन चेन से बने होते हैं, तीसरा मंद प्रकाश का अधिकतम अवशोषण करने की योग्यता रखते हैं,
चौथा, अधिक मात्रा में उपस्थित होने पर शैवालों को अभिलाक्षणिक रंग भी प्रदान करते हैं। और लास्ट है, ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है फाइकोइरिथ्रिन, दूसरा है फाइकोसाइनिन और तीसरा है एलोफाइकोसाइनिन। ठीक है बच्चों, तो फाइकोबिलिन्स हो गया। अब लास्ट है टेरिडिन्स। ठीक है, टेरिडिन्स की स्पेलिंग आप लिख लीजिए, PTERIDEINS, PTERIDEINS। तो ये जो है बच्चों, ये थैलोफाइटा में पाए जाते हैं और ये एमिनो एसिड और नेफ्थलीन यौगिकों के जो है व्युत्पन्न होते हैं। टेरिडिन्स थैलोफाइटा में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, जो एमिनो अम्ल व नेफ्थलीन यौगिकों के व्युत्पन्न होते हैं। और यह है प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है, क्रिप्टोगेम्स जो है उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारे आज के तीन टॉपिक कंप्लीट, चार टॉपिक कंप्लीट हुए बच्चों। क्लोरोफिल का अवशोषण स्पेक्ट्रम, उसके बाद में कैरेटिनॉइड, उसके बाद में फाइकोबिलिन्स और टेरिडिन्स। यहाँ पर हमारा बच्चों प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं, उससे संबंधित जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। उसमें आपने पढ़ा होगा CO2 पहली आवश्यकता, दूसरी हाइड्रोजन स्रोत अथवा वाटर या H2S, तीसरा है प्रकाश संश्लेषी वर्णक और चौथा है प्रकाश। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में मैं आज का जो ये लेक्चर है इसको समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।